ट्रेन से घर वापस जा रहे मजदूरों से किराया वसूले जाने पर विपक्षी नेताओं ने उठाए सवाल, पूछा कहां गया पीएम केयर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज, मैं हूं आपके साथ जितेन कमल। कोरोना से निपटने के लिए देश में तीसरी बार लॉकडाउन लागू किया गया है। इस लॉकडाउन के चलते लाखों प्रवासी मजदूर अलग अलग राज्यों में फंसे हैं। इन प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन तो जारी कर दी है, लेकिन इनको भेजने के बदले में राज्यों से किराया लिया जा रहा है। कुछ राज्य तो किराया मजदूरों से ही वसूल कर रहे हैं। अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्ष के नेता इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। मजदूरों से किराए के मामले पर समाजवादी पार्टी के चीफ और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को केंद्र सरकार को घेरा। अखिलेश ने ट्वीट करके कहा, ट्रेन से वापस घर ले जाए जा रहे गरीब बेबस मजदूरों से भाजपा सरकार द्वारा पैसे लिए जाने की खबर बेहद शर्मनाक है। आज साफ हो गया है कि पूंजीपतियों का अरबों माफ करने वाली भाजपा अमीरों के साथ है और गरीबों के खिलाफ। विपत्ति के समय शोषण करना सूदखोरों का काम होता है, सरकार का नहीं। इस मसले को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी केंद्र सरकार पर तंज कसा है। उमर ने ट्वीट करते हुए कहा है कि अगर आप कोरोना संकट में विदेश में फंसे हुए हैं तो सरकार आपको मुफ्त वापस लेकर आएगी, लेकिन किसी राज्य में कोई प्रवासी मजदूर फंसा है तो उसे सोशल डिस्टेंसिंग कास्ट के साथ पूरा खर्च उठाना होगा। अगर ऐसा है तो कहां गए पीएम केयर्स। दूसरी तरफ जिस राज्य के सबसे ज्यादा मजदूर दूसरे राज्य में फंसे हैं, यानी बिहार, वहां की सरकार ने तो साफ कर दिया है कि ट्रेन का किराया मजदूरों को स्वयं देना होगा। बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बिहार आने वाले मजदूरों से ट्रेन का किराया वसूले जाने पर साफ किया है कि ऐसा केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों में है कि यात्रियों को अपने किराए का पैसा देना होगा। इसको लेकर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा, 2008 में जब कोसी नदी ने अपनी सीमाएं लांघ भयंकर तबाही मचा, लाखों लोगों का जीवन प्रभावित किया था, तब तत्कालीन रेल मंत्री आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी ने फ्री में ट्रेन चलाई थी। बिहार के मात्र 4-5 जिलों के लिए ही 1,000 करोड़ का पैकेज दिलाया। मुख्यमंत्री तब भी नीतीश कुमार जी थे और अब भी, लेकिन अब केंद्र और बेशर्म राज्य सरकार का गरीब विरोधी चेहरा देखिए। दोनों जगह डबल इंजन सरकार है, लेकिन कोई भी गरीब मजदूरों का किराया वहन करने के लिए तैयार नहीं है। गरीब बिहारियों को वापस लाने में शुरू से संसाधनों की कमी का रोना रो रही सरकार अब एक और बहाना खोज रही है। श्रमिकों की दयनीय स्थिति है, लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। तेजस्वी ने आगे कहा, सरकार एक तरफ 1,000 रुपये देने का ढिंढोरा पीट रही है और दूसरी तरफ राज्य सरकार के पास गरीबों का किराया देने का पैसा नहीं। बिहार सरकार नैतिकता और कर्तव्यपरायणता की सारी मर्यादा भूल चुकी है। ऐसी और खबरों के लिए बने रहें कबीर न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।